एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं। लोगों में मतगणना से पहले इन नतीजों की बहुत उत्सुकता रहती है। हालांकि इन एग्जिट पोल को कराने में भी बहुत खर्चा होता है। हालांकि ये खर्चा इतना ज़्यादा होता है कि एक एजेंसी या फिर मीडिया हाउस इसका पूरा खर्च अपने आप वहन नहीं कर सकते। आपको बता दें कि कैसे एग्जिट पोल का प्रोसेस होता है और इस पर कितना खर्च आता है। प्रत्येक एग्जिट पोल पर 3 करोड़ का खर्च आता है। एग्जिट पोल पर खर्च सीधे सीधे सैंपल साइज पर निर्भर होता है। जितना बड़ा सैंपल साइज होगा उतना ही खर्च बढ़ जाएगा। एग्जिट पोल को कराने वाली एजेंसियों के मुताबिक अगर सैंपल का साइज 60,000 लोगों का है तो फिर इस पर 3 करोड़ का खर्च आएगा। वहीं 1,00,000 के सैंपल साइज पर 5 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। एक सैंपल साइज पर करीब 500 रुपये आता है। कर्मचारियों को केवल प्रोजेक्ट के बेसिस पर रखा जाता है। कोई भी कंपनी इनको मासिक वेतन पर नहीं रखती है। बड़े से लेकर छोटे मीडिया हाउस भी करते हैं शेयर। अक्सर आपने देखा होगा कि एक एजेंसी का एग्जिट पोल अलग अलग चैनलों या फिर अखबार में दिखाई देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका खर्च एक कंपनी वहन नहीं कर सकती है। इसलिए कई छोटे चैनल भी बड़े चैनलों और सर्वे एजेंसियों के साथ हाथ मिलाकर इस डाटा को अपने यहाँ चलाते हैं। इस बार 8 बड़े चैनलों पर होगा प्रसारित। अब की बार का एग्जिट पोल 8 बड़े चैनलों पर प्रसारित होगा। इन चैनलों ने करीब 9 एजेंसियों के साथ टाइप अप किया है। ये चैनल और एजेंसियाँ हैं News18, IP SOS, India Today, एक्सिस, Times Now, BMR, NewsX, नेता, रिपब्लिक जन की बात, रिपब्लिक सी वोटर, ABP, नीलसन, India TV, CNX और News24, टुडे चाणक्य। कैसे होता है एग्जिट पोल? एग्जिट पोल हमेशा मतदान वाले दिन ही होता है। बूथ पर वोट डालने के बाद मतगणना जब बाहर निकलता है तो उससे कुछ सवाल पूछे जाते हैं और मतदाता के मिजाज को टटोलने की कोशिश की जाती है, जिससे ये पता लग जा सके कि वोटर किस दल को या किस प्रत्याशी को अपना कीमती वोट देकर आ रहा है। वोटिंग के दिन जुटाए गए आंकड़ों का विश्लेषण कर चुनाव के आखिरी दिन शाम को एग्जिट पोल दिखाया जाता है। लेकिन जब मतदान कई चरणों में हो, जैसा कि लोकसभा चुनाव में होता है, तो आखिरी दौर के बाद ही एग्जिट पोल दिखाए जा सकते हैं। हर बार सही नहीं साबित हो सकता है एग्जिट पोल। आंकड़ों और कयासों के योग से किसी एक पार्टी की जीत की भविष्यवाणी कर दी जाएगी और ग्रह दशा की गणना करके किसी पार्टी का सूपड़ा साफ कर दिया जाएगा। कई बार एग्जिट पोल गलत भी साबित हुए हैं। ऐसे में इन पर पूरी तरह से यकीन करना सही नहीं होता है, जिसकी एक मुख्य वजह है वोटिंग के दिन इकट्ठा किया जाने वाला डाटा। मतदान के दिन जब कोई एक वोटर से बात कर रहा होता है, उस बीच कई वोटरों की राय शामिल नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से कई बार एग्जिट पोल गलत साबित होते हैं। कब शुरू हुआ एग्जिट पोल? माना जाता है कि एग्जिट पोल की शुरुआत साल 1967 में हुई थी। नीदरलैंड के एक समाजशास्त्री और पूर्व राजनीतिक मार्सेल बांडेन अपने देश के चुनाव के दौरान एग्जिट पोल किया था। हालांकि ये भी कहा जाता है कि इसी साल अमेरिका में एक राज्य के चुनाव के दौरान पहली बार एग्जिट पोल किया गया था। तो दोस्तों, कैसा लगा आप सबको हमारा आज का ये वीडियो? आज का वीडियो बस यहीं पर ख़त्म करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारी और इसी तरह की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ख्याल रखें अपना। धन्यवाद।